नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे संतान लक्ष्मी के मंत्र जप से होने वाले लाभ के बारे में और जानेंगे किस तरीके से इस लाभ को जल्दी प्राप्त किया जाए। लेकिन इसके पहले मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसमें हमारे दिव्य योगासन के नए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए निरंतर कोशिश करता रहता है। इस कलयुग में लक्ष्मी का क्या स्थान है, यह हम सभी जानते हैं। आज हर कदम पर धन की आवश्यकता होती है, लेकिन मनुष्य को धन के साथ मानसिक सुख न मिले तो धन मिलने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए आज हम माता लक्ष्मी के कई स्वरूपों में एक संतान लक्ष्मी की बात करेंगे। माता संतान लक्ष्मी की कृपा से मनुष्य को सात्विक धन की प्राप्ति होती है, जो कि धन समृद्धि के साथ सुख भी प्रदान करती है। माता संतान लक्ष्मी सुख समृद्धि के साथ पुत्र धन की प्राप्ति का भी आशीर्वाद देती हैं। आज के युग में पुत्र या पुत्री बुरी संगत में चले गए हों तो आपका जीवन सुख से दुख में बदल जाता है। याद रखें, संतान सुखपूर्ण सुख संपन्न भौतिक जीवन का एक बहुत ही बड़ा अभिन्न अंग माना गया है। सिर्फ संतान हो जाना ही संतान का पूर्ण सुख नहीं होता। अगर आगे जाकर वही संतान अयोग्य साबित हो जाए या वह बुरे लोगों की संगत में चले जाएं या फंस जाएं तो अपना जीवन वो बर्बाद कर देते हैं, साथ ही अपने परिवार को भी मानसिक आघात पहुँचाते हैं। तो वही संतान सुख एक बहुत बड़े दुख में भी परिवर्तित हो जाता है। ऐसे में माता संतान लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। आप जानते हैं संतान लक्ष्मी साधना से लाभ। माता की कृपा से संतान की नौकरी से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। संतान के विचार सकारात्मक व सही दिशा की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। संतान सौभाग्यशाली होता है। संतान किसी गलत या बुरी संगत में ना पड़े या पड़ भी जाए तो उसे उस संगत से मुक्ति मिल जाए, इस तरह की माता की कृपा मिलती है। संतान को जीवन में आगे बढ़ने के लिए योग्य दिशा मिलती है तथा उसे हर क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। संतान माता पिता तथा बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, बूढ़े माता पिता का पूर्ण रूप से ख्याल रखता है। संतान अपने स्वभाव से घर परिवार तथा समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। हर तरह के गृहस्थ सुख की प्राप्ति होती है। इसमें संतान की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति को संतान से संबंधित कोई समस्या नहीं भी है तो भी वह संतान की सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस साधना को कर सकता है। आप जानते हैं माता संतान लक्ष्मी का गोपनीय मंत्र का अभ्यास कैसे करें। किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं, किसी भी आसन में बैठ जाएं, 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें और छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें, फिर अपने आगे चक्र पर यानी दोनों आंखों के बीच में पिंच करते हुए संतान लक्ष्मी का मंत्र ओम ऐं श्रीं ह्रीं संतान लक्ष्मी ऐं श्रीं नमः, ओम ऐं श्रीं ह्रीं संतान लक्ष्मी ऐं श्रीं नमः का उपांश जप करें, यानी बुद्धा का जप करें। इस तरह से रोज 11 माला यानी 1188 मंत्र का जाप करना है और यह जप 21 दिन तक करना है। 21 दिन के बाद किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को भोजन या फल का दान कर दें। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके बच्चे में आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगा है। माता संतान लक्ष्मी उपासना के कुछ गोपनीय नियम। माता का मंत्र जप हमेशा शुक्रवार से शुरू करें, पश्चिम की तरफ मुँह कर जप करें। जप का समय सुबह 4 से 9 बजे के बीच में करें। इस अभ्यास को सुबह या शाम को भी जप सकते हैं। शाम का समय सूरज डूबने के बाद का होगा। लाल आसन पर बैठकर जाप करें। यह 21 दिन की उपासना होती है। महिलाएं मासिक धर्म की वजह से 3-4 दिन का गैप करने के बाद आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। काले या नीले रंग के वस्त्र न पहने। इस उपासना को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। तेल मिर्च खटाई तथा मसाले का सेवन कम करें। व्यसन धूम्रपान मद्यपान से बचें। आप हमेशा अभ्यास को गुप्त रखें। इस विधि में दीक्षा या किसी विधि विधान की जरूरत नहीं होती। यह मंत्र विश्वास होने पर ही अपनाएं। इस अभ्यास को दीक्षा लेकर भी साधना कर सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें।
अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रुली मुद्रा अवश्य लगाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी और वज्रुली मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। आशा है यह विधि आपके काम आएगी। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहरों में कुंडली ध्यान शिविर का आयोजन कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी संस्था पूरे भारत में अलग अलग विषय पर सेमिनार आयोजित करती है, जैसे कि हिप्नोटिज्म, रेकी, प्राणिक हीलिंग, कुंडलिनी ध्यान, फास्ट लाइफ रिग्रेशन, एस्ट्रल ट्रेवल, ऑरा रीडिंग, पैरानॉर्मल एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, यंत्र मेकिंग, इस तरह के बहुत से विषयों को सीखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसे क्लिक करके आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।